स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स यूट्यूब चैनल पे मेरे यार, और ये है टेक मंगलवार। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं GoPro Hero 7 के बारे में, और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक ऑसम GoPro व्लॉगिंग सेटअप अपने लिए। अब ये तो सब जानते हैं कि GoPro Hero 7 एक बहुत ही ऑसम एक्शन कैमरा है, जिससे आप एक्शन वीडियो शूट कर सकते हैं, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि GoPro Hero 7 से आप ऑसम सिनेमैटिक वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने चैनल पे मैंने GoPro Hero 7 का एक अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू किया है, तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। GoPro Hero 7 में बहुत से अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसे शूट कर सकते हैं ऑसम स्लो मोशन वीडियोस, टाइम लैप्स वीडियोस, और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है टाइम वॉर्प, जिसकी मदद से आप शूट कर सकते हैं हाइपर स्मूथ हाइपर लैप्स वीडियोस। तो इन सारे फीचर से GoPro Hero 7 बन जाता है एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल व्लॉगिंग कैमरा। इनफैक्ट आप GoPro Hero 7 के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आप इसे डब्बे में से निकालें। इसके साथ आपको मिलता है इस तरीके का एक केस, जिसमें आपको GoPro Hero 7 को फिट करना है और एक ट्राइपॉड अटैच करना है, और आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो इनबिल्ट वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो इंडस्ट्री का बेस्ट है, और जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने GoPro कैमरा से। ओके, तो ये है टेस्ट GoPro Hero 7 का, वीडियो टेस्ट और व्लॉगिंग टेस्ट। आप सुन सकते हैं मुझे ऑडियो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल टच आपके वीडियोज़ में और चाहते हैं प्रोफेशनल ऑडियो आपके व्लॉग्स में, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके का माइक्रोफोन आपके GoPro के साथ। ये है रोड वीडियो माइक्रो, जो कि बेस्ट माइक्रोफोन है व्लॉगर्स के लिए। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके DSLR के साथ, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ और GoPro के साथ, और यहीं पे आके GoPro की गाड़ी अटक जाती है। क्योंकि अगर आपको कनेक्ट करना है एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन आपके GoPro के साथ, तो आपको लेना पड़ेगा ये अडैप्टर, जो कि GoPro का प्रोप्राइटरी माइक्रोफोन अडैप्टर है, जिसके एक तरफ आपको मिलेगा एक USB-C और दूसरी तरफ मिलेगा आपको 3.5mm जैक। और जब आप कनेक्ट करते हैं इस अडैप्टर को आपके GoPro के साथ, तो आपका सेटअप कुछ इस तरीके से लगता है, जो कि एक अच्छा सेटअप नहीं है किसी भी व्लॉगर के लिए। तो भैया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा एक स्पेशल GoPro व्लॉगिंग केस, जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है अमेज़ॉन पे, और इसका नाम है उलानजी GoPro व्लॉगिंग केस। ये एक बहुत अच्छा केस है GoPros के लिए। सबसे पहली बात यह है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो काफ़ी लाइट है और व्लॉगिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको मिलता है एक माउंट, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोफोन को। इसके साथ साथ इस केस में कई सारे कटआउट्स दिए हैं, तो आप GoPro के बटन्स को काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगी वो था ये कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप माइक्रोफोन अडैप्टर को आसानी से फिट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बना देते हैं हमारे सेटअप को। सबसे पहले हम फिट करेंगे माइक्रोफोन अडैप्टर को इस केस में कुछ इस तरीके से। इस केस का बैकडोर रिमूवेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बटन दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो बैकडोर खुल जाता है, और यहाँ से आप GoPro को इस केस में फिट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट कनेक्ट कर देते हैं माइक्रोफोन अडैप्टर को GoPro के साथ और माइक्रोफोन को अपने अडैप्टर के साथ, और फाइनली कनेक्ट कर देते हैं एक ट्राइपॉड को इस केस के साथ, और ये हमारा GoPro व्लॉगिंग सेटअप तैयार है। तो चलिए घर से बाहर चलते हैं और टेस्ट करते हैं इस GoPro व्लॉगिंग सेटअप को। तो कुछ इस तरीके से लगता है मेरे GoPro Hero 7 का व्लॉगिंग सेटअप। काफ़ी क्लीन सेटअप है, और इस सेटअप की मदद से आप व्लॉगिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो सेटिंग्स में जाके माइक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको लगा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना भूलना मत। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।